हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो भाई साहब, आज है संडे और आज फिर से होने जा रहा है क्रिकेट चैलेंज। और पिछले दो संडे से भाई क्रिकेट चैलेंज हो रहा था, जिसमें कि जीशान की टीम बहुत बुरी तरीके से हार जा रही थी। तो आज फिर से भाई क्रिकेट चैलेंज होने जा रहा है। अब देखते भाई कि आज जीशान की टीम जीतेगी कि नहीं। भाई दो संडे जा चुका है, दोनों संडे को जो क्रिकेट चैलेंज हुआ है दोनों ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया हुआ। आप लोग का रिस्पांस भी भाई उस वीडियो पे बहुत ही तगड़ा और प्यारा है। भाई आप लोग का रिस्पांस और प्यार देख के भाई बहुत ही अच्छा लगता है। इससे हमें यही पता चलता है कि आप लोग को भी भाई क्रिकेट के ब्लॉग देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब भाई देखते हैं कि आज जीशान की टीम कैसा परफॉर्मेंस करेगी। भाई और भाई जितने भी नए लोग वीडियोस देख रहे हैं भाई, सब लोग चैनल यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी हम लोग के कंप्लीट होने वाले हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो फटाफट यार चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत जल्दी हम लोग के 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आएगा अपना गोल्ड प्ले बटन, यस। तो फटाफट सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। और जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया फटाफट फॉलो कर लो, यहाँ आ रहा होगा NBBlog07, वहां पे बहुत सारे अपडेट वगैरह आते रहते भाई। चलो अभी चलते ग्राउंड में। और भाई साहब एक बार बाहर का मौसम चेक कर लो यार, आज भाई बहुत ज्यादा फॉग पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो भाई इरफान भी घर पे आ चुके हैं। मौसम का क्या हाल है भाई? भाई मौसम का अपडेट यही है कि बहुत खतरनाक सी ठंडी हो रही है। यस, ये देखो भाई फॉग बहुत खतरनाक, अभी तो हल्का हो गया, सुबह भाई यहाँ तक नहीं दिख रहा था यार। लेकिन भाई अक्सर मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि जब ज्यादा फॉग रहता है ना उस दिन धूप निकल जाता है। देखते भाई धूप निकलेगा कि नहीं। वैसे लेकिन ठंडी लेकिन बहुत ज्यादा है भाई। वो सब छोड़ो, ढेर सारी टीम आ गई है वहाँ पे खेलने के लिए। हाँ हाँ, गाँव में इतने सारे बच्चे आ गए थे, क्या बताऊँ मैं, मतलब ढेर सारी टीम आ गई। हाँ हाँ, ढेर सारी टीम आई थी। चलो भाई फटाफट ग्राउंड पहुँचते क्योंकि सारे प्लेयर लोग ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। हाँ। और क्या लगता है आज जीशान की टीम जीतेगी? भाई तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा क्या बोलने लेकिन तुमको क्या लग रहा है, पूरे हफ्ते तो अच्छा प्रैक्टिस वो लोग किए? प्रैक्टिस किए हैं, आज तो जीतना ही चाहिए। हाँ भाई साहब एक बार मौसम चेक कर लो यार, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक फॉग है यार, घर पे तो पता ही नहीं चल रहा था। बाहर ज्यादा ही फॉग है, देख लो। बाप रे बाप, ये देखो भाई, गाइस यहाँ देखो भाई ग्राउंड में कुछ दिख नहीं रहा है भाई, इतना ज्यादा फॉग है। यहाँ देखो भाई, अरे बाप, बहुत सारे बच्चे आ जाए यार। फिलहाल भाई साहब ये देखो ग्राउंड पहुंच चुके हैं और ये देखो कितने सारे बच्चे लोग आए हैं भाई। सब लोग एक बार चिल्ला दो तो। नाश्ता करके नहीं आए हो क्या? एक बार और फिर से। हाँ ऐसा दो चार गांव वाले सुन ले, चलो चिल्ला खूब तेज। सही में लगता नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ पे देखो भाई साहब दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी है। क्या नाम है तुम्हारी टीम का? टीम बिलासा। तुम्हारे? टीम बनकसिया। तो भाई साहब टीम बिलासा के कप्तान है कृष्णा और टीम बनकसिया के कप्तान है जीशान। तो भाई साहब दोनों ही टीमें काफी खतरनाक लग रही है भाई, अब देखते हैं कौन जीतेगा। चलो फटाफट टॉस करते हैं, चलो आ जाओ कप्तान, चलो टॉस करते हैं। फिलहाल भाई साहब यहाँ पे टॉस होने जा रहा है, टेल आ चुका है, जीशान टॉस जीत चुके हैं भाई। बैटिंग, चलो भाई बैटिंग करेंगे जीशान। yes. टीम बनकसिया ने भाई टॉस जीत के सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है भाई, और ये मैच जो रहेगा वो 5-5 ओवर का खेला जाएगा, और आज का मैच जो है वो बिलासा बनाम बनकसिया के बीच में खेला जा रहा है। चलो भाई फटाफट पहले ओवर का पहला बॉल पड़ने जा रहा है बिलासा टीम के द्वारा, और ये 6 रन। बहुत अच्छी ओपनिंग, क्या बात है भाई, पहले ही बॉल में पहला सिक्स, दूसरी बॉल डॉट बॉल, अच्छी बॉल थी भाई, और भाई ये बॉल वाइड थी भाई, क्या बात है भाई, बढ़िया शॉट, और ये 4 रन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ पे अगर फील्डिंग हो जाता तो सिर्फ एक ही रन, एक ही रन आता। हाँ। मिस फील्डिंग के द्वारा 4 रन भाई, और ये फिर से उठा दिया 6 रन, स्कोर चलता कूदता जा पहुंचा 16 रन, 3 बॉल पे 16 रन, काफी अच्छा खेलते हुए राजन।
भाई बॉलिंग काफी खराब हो रही है, फुल टॉस बॉल फेंक रहे हैं इसलिए भाई बाउंड्री लग रहा है। चलो भाई अगली बॉल। और ये क्या है भाई? छह है। अरे अनय हो गिरा, दूर गिरा। छह रन भाई, अंपायर के द्वारा 6 रन। चलो भाई ओपनर बल्लेबाज काफी भाई खतरनाक मूड में लग रहा है। हाँ इरफान, पहुंचा हुआ 22 रन, 4 बॉल हो चुके हैं और 22 रन। और ये फिर से 6 रन भाई, 28 रन भाई, 5 बॉल पे 28 रन। काफी महंगा ओवर, क्या बात है भाई। ये बताओ आज नाश्ते में क्या खाए थे? चाय रोटी। कौन से चक्के का आटा था? भाई बॉल पानी में जा चुका है, दूसरे बॉल से मैच होने जा रहा है, तब तक बच्चे लोग पानी से बॉल निकाल रहे हैं भाई। चलो भाई साहब ओवर का लास्ट बॉल, और ये फिर से 6 रन, और ये 28 से 34 भाई, एक ओवर में 34 रन। बहुत ही अच्छा, काफी तगड़ी ओपनिंग। क्या बात है भाई, एक ओवर में 34 रन मार दिया है इस बल्लेबाज ने। क्या नाम है आपका? राजन ने भाई एक ओवर में 34 रन मारा है, बहुत ही धुआंधार बैटिंग भाई, क्या बात है भाई साहब। दूसरे ओवर की पहली बॉल, नो बॉल थी। पहला बॉल नो बॉल भाई। चलो बहुत ही बढ़िया शॉट भाई, और ये भाई मिस फील्ड हुआ। दूसरा रन, स्कोर जो पहुंचा है 37 रन, और ये भाई बहुत ही अच्छा शॉट, और ये 4 रन मिस फील्ड। दूसरा ओवर चल रहा है और टोटल स्कोर हो चुका है 41 रन, और ये भाई दबा दिया वहीं पे सिंगल 1 रन, नो बॉल। बहुत ही अच्छी फील्डिंग भाई, लेकिन नो बॉल थी, हाफ पिच के उधर अगर गिरेगा बॉल तो नो बॉल। और ये उठा दिया है आउट, बहुत ही अच्छा कैच आउट फील्डर ने पकड़ा। राजन फिलहाल आउट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक खेल रहे थे भाई। राजन आउट हो चुके हैं भाई, बहुत ही खतरनाक पारी खेल के जा रहे हैं, और आ रहे हैं क्रीज पे बजरंगी। चलो भाई बजरंगी भी भाई काफी खतरनाक प्लेयर है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए। अब देखते हैं भाई क्या करेंगे, क्या लगता है इरफान भाई? आज तो लगता है कि बनकसिया के जो फील्डर है वो नाम रोशन कर देंगे भाई। चलो भाई सिंगल, ओवर का लास्ट बॉल भाई, ओवर। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। क्या लगता है 5 ओवर में कितना रन बनेगा? मेरे हिसाब से भाई 100 रन तो जाएगा ही जाएगा। चलो भाई तीसरा ओवर पड़ने जा रहा है, नो बॉल और मिस फील्ड हुआ, कैच भी छूटा, 2 रन टोटल भाई। हाइट का नो बॉल था ये, और ये 6 रन, नो बॉल भी था और 6 रन। स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 50 पूरा हुआ, 2 नो बॉल हो चुका है, 1 6 भी लग चुका है इस ओवर में भाई। फिर से नो बॉल भाई, बॉलर ने लगातार 3 नो बॉल फेंक चुका है भाई, काफी गंदी लाइन लेंथ पे फेंक रहे हैं बॉलर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है इतना रन पड़ गया है। और ये 6 रन, और भाई इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 58 रन। चलो भाई 58 रन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बॉल भाई, ये बॉल काफी अच्छी थी भाई, बहुत ही अच्छी बॉल भाई। भाई बॉलर लाइन लेंथ पकड़ते हुए, और ये फिर से 6 रन, बजरंगी अपने फॉर्म में आते हुए भाई, बॉल फिर से पानी में गया, 6 रन, और स्कोर जा पहुंचा भाई साहब 64 रन। 3 बॉल हो चुके हैं इस ओवर के भाई, और ये फिर से 6 रन, और ये फिर से 6 रन। बजरंगी भी भाई आज काफी खतरनाक, एकदम किलर मिलर फॉर्म में आए हैं। आज नाश्ते में तुम क्या खाए थे?
बस चलो भाई, 70 रन पूरा हुआ, 70 रन पूरा हो गया है भाई, 4 बॉल हुए हैं और ये काफी अच्छी बॉल थी भाई, डॉट बॉल। 5 बॉलें हो चुकी है इस ओवर की, इस ओवर की लास्ट बॉल भाई, काफी अच्छी बॉल थी। ओवर 3 ओवर के समाप्ति पर टोटल स्कोर 70 रन, काफी अच्छा स्कोर है भाई, बहुत बढ़िया भाई। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, बस 2 ओवर और बचा, देखते भाई 2 ओवर में कितना स्कोर बनेगा। 3 ओवर में 70 रन हो चुका है और ये 9 बॉल और ये 6 रन भाई, 4 रन भाई, 4 रन, वो वहां पे बाउंड्री है, 4 रन भाई, 9 बॉल थी और 4 रन लग चुके हैं, डॉट बॉल हो चुका है भाई, और ये काफी अच्छा शॉट, 1 रन, और ये बजरंगी भाई फिर से आ गए हैं स्ट्राइक पे, और ये बढ़िया भाई स्वीप शॉट मारा है बजरंगी ने, 2 रन, और ये काफी अच्छी बॉल थी भाई, टच है, हाँ टच है, टच है, टच है। 4 बॉलें हो चुकी है भाई, 1 बाउंड्री सिर्फ आया इस ओवर में, और ये बजरंगी का बहुत ही प्यारा शॉट, 6 रन, काफी तगड़ा शॉट, इसी के साथ में स्कोर जो पहुंचा है 83 रन। यस, चलो भाई काफी अच्छा स्कोर हो चुका है, और इस ओवर का लास्ट बॉल फेंकने जा रहे हैं भाई, इसके बाद लास्ट ओवर चलेगा। ओवर हो चुका भाई, काफी अच्छी स्लो बॉल थी जिसको बजरंगी पढ़ नहीं पाए, और ओवर की समाप्ति 4 ओवर में, तो भाई साहब 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 83 रन, और ये लास्ट ओवर चलने जा रहा है भाई, चलो एक बॉल हो चुका है इस ओवर का, डॉट बॉल भाई, और ये बढ़िया शॉट, 4 रन, और ये भाई कैच हो सकते थे बजरंगी, 1 रन, कितना हो गया स्कोर, टोटल स्कोर 88 रन भाई, हाईएस्ट स्कोर है। चलो नॉट आउट, और ये भाई बहुत ही हल्की बॉल थी, 1 रन, कितना बॉल हो गया, 5 बॉल हो चुके हैं भाई, और रन कितना है, 89 रन हो चुके हैं भाई, लास्ट बॉल है, अब देखते हैं भाई कितना टोटल स्कोर होगा, ओवर हो चुका है भाई, 90 रनों पे जीत, यस भाई 90 रनों पे जीत है भाई, और काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा भाई सामने वाली टीम को, और बहुत ही गंदी बॉलिंग हुई है मेरे हिसाब से तो, बॉलिंग नहीं अच्छी हुई है, और इस पिच का और ये बनकसा की टीम का हाईएस्ट स्कोर जो है भाई यही है, और यहाँ पे भाई टीम बिलासा ने 90 रन दिया है निर्धारित 5 ओवरों में, अगर अच्छी बैटिंग करोगे तो जीत जाओगे। हाँ, कौन कौन ओपनर बैट्समैन है, चलो भाई यहाँ पे बिलासा टीम के ओपनर बल्लेबाज जाते हुए ग्राउंड में, फिलहाल भाई बिलासा की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन आए हैं संतोष और आयुष, अब देखते हैं भाई क्या कुछ कर पाएंगे ये लोग। चलो भाई इरफान क्या लगता है क्या होगा इस मैच में, भाई बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी वरना मैच तो वैसे ही हार गए लोग, रन काफी हो गया, बहुत ज्यादा रन हो चुके, चलो भाई, चलो भाई पहले ओवर की पहली बॉल पड़ने जा रही है, 9 बॉल, और इसको भी नहीं मार पाया बैट्समैन भाई, अच्छी बॉल थी मारने लायक थी भाई, और ये भाई उठा दिया स्ट्रेट पे, अच्छी फील्डिंग, और भाई इस बॉल पे सिंगल रन आया है, चलो भाई 9 बॉल, और ये भाई 4 रन, अच्छी बॉल भाई, डॉट बॉल भाई, 3 बॉल हो चुका है, 5 रन में बाउंड्री नहीं काउंट किया था भाई, 3 बॉल 5 रन, और ये उठा दिया है, 6 रन भाई, भाई अच्छा मारा है बैट्समैन ने, 6 रन, बहुत ही प्यारा शॉट था भाई, चलो और ये फिर से उठा दिया है, 6 रन, क्या बात है भाई,
आई उसके हाथ में बहुत ही दम है भाई, मार रहा है तुरंत छक्का जा रहा है भाई, क्या बात है। इरफान क्या कहना चाहते हो भाई? बहुत ही प्यारा शॉट था भाई, काफी उम्दा खेल रहे हैं भाई। कितना रन हो गया? अभिषेक नाम है ना? नहीं आयुष, आयुष आयुष काफी अच्छा खेल रहे हैं भाई। कितना रन हो गया भाई? टोटल स्कोर यह पहुंचा है 17 रन। बॉल 5 बॉल हो चुके हैं, 17 रन हो गए भाई, काफी अच्छी बैटिंग हो रही है बिलासा द्वारा। और फिर से उठा दिया है 6 रन। 3 बॉल पे 3 बाउंड्री लगातार लगा, बहुत अच्छी बैटिंग कही जाए। टोटल 23 रन, बहुत ही अच्छी बैटिंग भाई। भाई वहां पे कंफ्यूजन हो गया तो 6 नहीं तो 4 था, तो टोटल रन 21 रन। एक ओवर हो चुका 21 रन। चलो बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है भाई, एक ओवर 21 रन। और ये भाई यार रन आउट हो सकते थे बल्लेबाज, शॉर्ट है रन भाई, बल्लेबाज ने वहां पे बैट नहीं सही से ग्राउंड किया, रन शॉर्ट है, एक ही रन मिलेगा भाई। चलो चलो भाई अगला बॉल, और ये भाई काफी अच्छी बॉल, एक और रन आ गया भाई, टोटल रन 23 रन। चलो और ये उठा दिया भाई, 4 रन, 4 रन, टोटल स्कोर जब पहुंचा है 27 रन। काफी अच्छी बैटिंग हो रही है भाई, 27 रन हो चुके हैं टोटल। और ये भाई अच्छी बॉल थी, और ये 6 रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। भाई आयुष 3 छक्के मार चुके हैं भाई, क्या खाए थे भाई नाश्ते में आज? कुछ नहीं, आज खाते भूखे आयो। 5 बॉल हो चुके हैं, लास्ट बॉल, और ये उठा दिया है भाई, 4 रन, ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर भाई, सब 4 रनों के लिए। टोटल स्कोर जब पहुंचा है 38 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 38 रन, 38 रन हो गए भाई, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये भाई तीसरा ओवर प्रगति पर, पहला बॉल पड़ने जा रहा है, और ये वाइड बॉल, वाइड बॉल, अच्छी बॉल भाई, स्लो बॉल थी, मिस हुआ, डॉट बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल, फिर से वाइड, काफी वाइड जा रही है भाई, अच्छी बॉल थी भाई, डॉट बॉल। अभी सिर्फ 2 बॉलें हुई हैं, बहुत सारी वाइड बॉल फेंक चुके हैं गेंदबाज, फिर से डॉट बॉल, 3 बॉलें हो चुकी है भाई, और ये भाई बैट्समैन रिटायर हार्ड हो चुके हैं। अभी नए बल्लेबाज कौन आए बाबू? अमर आए हैं भाई, अमर भाई आए हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, अब देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। 4 बॉलें हो चुकी है, 3 बॉलें हुई हैं भाई, और ये भाई 2 रन, ये आराम से जाओ, दूसरा बॉल दो, दूसरा, हेलो हेलो, चलो भाई वहां पे 2 रन है टोटल, तो टोटल रन कितना हो गया इरफान? 40 रन, 40 रन भाई, इस ओवर में काफी कम रन है, सिर्फ 2 ही रन है बस, और ये डॉट बॉल, टोटल इस ओवर का 5 बॉल हुआ है, सिर्फ 2 रन आए हैं भाई, अच्छी बॉलिंग भाई, हल्की बॉलिंग कर रहे लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग, और ये उठा दिया है, क्या कैच पकड़ा भाई, एक हाथों से कैच पकड़ा, एक नंबर का कैच था भाई, ये बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, पहला विकेट गिरा है अब जाके बिलासा टीम का, तो 3 ओवर में 40 रन हुआ है, 3 ओवर में 40 रन, 1 विकेट का नुकसान, अंपायर टोटल 2 ओवर बचा है ना, यानी कि अब 12 गेंदों पे चाहिए 50 रन। चलो आयुष 12 गेंदों में 50 रन चाहिए, अगर एक एक ओवर में 25 मारोगे तो हो जाएगा, ठीक। चलो चलो भाई, 4th ओवर की पहली बॉल, और ये मार दिया है भाई, बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, और मिस फील्डिंग हुई जीशान के द्वारा भाई, आउट है, चलो भाई यहाँ विकेट गिर चुका है भाई, हाँ आउट है, आउट, आउट, दूर है, और ये मिस हो गया भाई, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन भाई बैट्समैन भी प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि चाहिए 50 रन, यस
10 बॉलों पे 49 रनों की जरूरत यहाँ पे। आयुष भाई काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब देखते हैं भाई बन पाया कि नहीं ये रन। और ये नो बॉल थी भाई, बोल्ड हो गए थे लेकिन नो बॉल थी। चलो भाई अगला बॉल फेंकने जा रहे हैं, और ये भाई मिड विकेट की तरफ 6 रन मारने की कोशिश, लेकिन बॉल मिस हो रहा है। टोटल बॉलें 3 हो चुकी है इस ओवर की, और ये बॉल काफी अच्छी थी भाई, काफी अच्छी बॉल थी, टर्न होके मिस हो गया बैट्समैन को। टोटल 4 बॉलें हो चुकी है इस ओवर की भाई, और ये नो बॉल, और ये भाई मिस हिट हो गया है। मारना 6 रन चाह रहे थे लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टोटल स्कोर इरफान भाई, स्कोरर कमेंटेटर हमारे फोन पर लग चुके हैं। टोटल स्कोर कितना हो गया भाई? 52 रन हुए हैं भाई। चलो लास्ट बॉल इस ओवर का, बॉल एक और विकेट गिरते हुए बिलासा टीम का भाई। भाई गलती हो गया, अंपायर ने मुझे 52 रन बताया तो मैंने 52 रन बताया, लेकिन सिर्फ 42 रन हुआ है भाई, तो माफी चाहते हैं, सिर्फ 42 रन हुआ है। और भाई साहब यहाँ पे लास्ट ओवर चलने जा रहा है, मतलब 5वां ओवर, और 6 गेंदों में चाहिए 48 रन। चलो भाई देखते हैं आयुष कितना रन मानेंगे भाई। और ये भाई कैच ड्रॉप हो गया कीपर से भाई, बहुत ही आसान कैच था। 2 बॉले हो चुकी भाई, अब 4 गेंदों में चाहिए 48 रन। और ये भाई मिस होते हुए एक और बॉल, काफी शुरू में अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे आयुष, लेकिन भाई बैट्समैन के ऊपर रनों का प्रेशर आ गया, शायद इसलिए बैट में नहीं लग रहा है भाई। अब देखते भाई शेष 3 गेंदों में क्या होगा। और ये उठा दिया है, चुके भाई, एक और विकेट गिरता हुआ बिलासा टीम का, और 5वां बॉल पड़ते हुए भाई, और ये मार दिया है, सिर्फ मेरे ख्याल से सिंगल मिलेगा। और रन नहीं लेना चाहते क्या? एक रन सिर्फ मिला भाई, एक बॉलों पे 47 रन चाहिए भाई। और ये डॉट बॉल, फाइनली भाई बनकसिया की टीम जीत गई। भाई राजन का बैटिंग बहुत ही खतरनाक था, शायद मेरे ख्याल से 40 या 50 रन मारे हैं, और इनके तरफ से तुम्हारी तरफ से एक बॉलर था, कौन था? और भाई साहब सलमान ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, जब सारे बॉलर रन दे रहे थे तो इन्होंने बहुत ही किफायती गेंदबाजी किया था भाई, मतलब स्लो फेंक रहे थे लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई इन लोगों की तरफ से। तो फाइनली भाई जीशान की टीम फाइनली जीत गए। और भाई साहब बिलासा के कप्तान यहाँ पे आ रहे हैं, क्या हुआ बाबू, कैसे हार गए? भैया संतोष बहुत ही बेकार बॉलिंग किए हैं सर, भैया रन दिए हैं वो। हाँ हाँ, तुम्हारे गेंदबाजी मतलब खराब हुई, लेकिन आयुष ने तुम्हारी तरफ से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, अगर कोई साथ देता तो हो सकता था रन बन जाता है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, हार जीत लगा रहता, आज हारे हो फिर कभी जीतोगे, ठीक। चलो इरफान क्या कहना चाहोगे भाई? और गाइस बनकसिया की टीम ने आज पहली बार जीत के नाम रोशन कर दिया भाई। भाई मैन ऑफ द मैच हम राजन को देंगे, जिसने भाई 40 या 50 रनों की बहुत ही धुआंधार पारी खेली। राजन कहाँ है भाई? चलिए 200 रुपए भाई राजन को मैन ऑफ द मैच मिलता है। यस चलो चलो, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई भाई। राजन क्या बोलना चाहोगे अपने पारी के बारे में? मतलब इतनी अच्छी बल्लेबाजी किया, क्या सोच के गए थे बल्लेबाजी करने के लिए? आज अपने गांव को जिताया मैंने। हाँ तो क्या मन में मतलब क्या था जब बल्लेबाजी करने गए थे? अपने गांव को जिताने के लिए 2 मैच हारे थे इसलिए। अच्छा चलो बहुत अच्छा। और भाई टीम के कप्तान से बात करते हैं, जीशान फाइनली 2 हफ्तों से हारने के बाद फाइनली 3रे हफ्ते में जाके जीते हैं। यस भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बैटिंग गई है हम लोग की भाई साहब। और बॉलिंग? बॉलिंग भी ठीक है, बॉलिंग बहुत अच्छा करा है, कहा गया सलमान जो था, सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो फाइनली भाई साहब मैच एंड हो चुका है, सब लोग को मैच में मजा आया? इरफान
मैच के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? इसके बारे में यही कहूंगा भाई कि आज मतलब नाक कटते कटते हम लोग की बच गई है। काफी अच्छा खेला भाई। काफी अच्छा खेले भाई, मतलब अगर ऐसे हर मैच में लोग खेले तो मजा आ जाएगा। चलो भाई मजा आया भाई। मौसम अभी भी वैसे का वैसा ही है भाई, फॉग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब भाई फटाफट चलते हैं घर, लेकिन आज मजा आ गया इरफान। बहुत मजा आया भाई। भाई आज हमारे गांव की टीम ने भाई बल्लेबाजी बहुत ही प्यारा किया भाई। जो प्रैक्टिस आप करवाए थे वो रन लाया भाई, मतलब मस्त बैटिंग किया। 5 ओवरों में 90 रन बनाए थे भाई, और सामने वाले भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे भाई। बोलो 1 ओवर में 23 रन मारे। हाँ। मजा आया। चलो भाई मजा आ गया, जीशान फाइनली जीत गया भाई। फाइनली भाई साहब घर पे पहुंच गए हैं, और तीसरे हफ्ते में जाके आपके बेटे ने जीत दिलाई अपनी टीम को। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके जीते तीसरे मैच में, कैसा लग रहा है जीशान? बहुत खुशी हो रही है, गांव में एकदम सब लोग खुश हैं कि हम जीत गए। वही तो नारा बोलते हुए यार, तभी तो मैं सुनी हूं, मुझे लगा माइक में लगाए थे कि हम बनकसिया की टीम जीत गई, वही चल रहा था। चलो भाई खुशी की बात है कि फाइनली हमारे गांव की टीम जीती भाई। प्रैक्टिस काम आया भाई, मतलब अच्छी बल्लेबाजी भी हुई और बॉलिंग भी अच्छी हुई, तो फाइनली हमारी टीम जीत गई भाई। बस भाई साहब आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।